मैं राजकुमार लोहीधार पंचायत ए से वार्ड नंबर एक। आज सोमवार के दिन हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। पिछले 3 दिनों से छुट्टी थी, आज हमें पता नहीं था कि छुट्टी है कि नहीं है। हमने बच्चों को भेज दिया स्कूल, तो बच्चे स्कूल आए, यहाँ से हमें कॉल आई, जो बेचारा यहाँ खाना वगैरह बनाता है तो उसने फ़ोन किया कि यहाँ कोई टीचर नहीं आया है, अपने बच्चों को घर ले जाओ। ये ड्रामा कहीं अरसों से चलता आ रहा है, 9 साल से एक ही टीचर है इधर वटना स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, तो दूसरा कोई टीचर नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, लिहाजा रिक्वेस्ट है कि इस मामले को थोड़ा देखें, हमारी तरफ थोड़ा गौर करें। ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। ये कोई खेती नहीं है, इस साल फसल ख़राब हो जाएगी तो अगले साल फिर बोएंगे, ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। कोई टीचर है सिगदी की, वो इस स्कूल की तनख्वाह ले रही है और ड्यूटी दे रही है कहीं मुगल मैदान में। पिछले 9 साल से एक ही टीचर है यहाँ पर, जबकि बच्चों की तादाद 35 से 40 है। एक टीचर का काम नहीं है 40 बच्चों को हैंडल करना, तो क्या पढ़ाएगा एक टीचर 40 बच्चों को। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि हमें नज़रअंदाज ना करें, ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने बच्चों को विलायत में पढ़ाते हैं, जम्मू में, दिल्ली में, हमारे बच्चे बेचारे यहाँ, हम बेरोज़गार हैं, गांव में पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, तो यहाँ पर इतनी भी सुविधा नहीं है कि हमारे बच्चे यहाँ ढंग से पढ़ सकें। ये हमारे पेंच साहब हैं इस वार्ड के, आप इनसे ही पूछिए। वार्ड नंबर एक वटना से प्राइमरी स्कूल से बोल रहा हूँ सर। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जब से ये स्कूल यहाँ पे बना है तब से एक ही टीचर यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं सर, हमारा कोई सुनता नहीं है। पहले हम किश्तवाड़ गए डीसी साहब के पास, आज से कोरोना से पहले, फिर सीओ साहब के पास गए, वहाँ से लेटर बना के छात्रों गए सर, 10-10, 15-15 आदमी, मगर अभी तक हमारा किसी ने सुना नहीं सर। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि इस बात पे फौरन से फौरन एक्शन लिया जाए और हमें दूसरा टीचर मिलना चाहिए। आज सर सोमवार के दिन हमारा स्कूल बंद है और जो यहाँ पे जेपी सर ड्यूटी दे रहे हैं सर, उसके पेपर हैं सर, उससे हमने परसों भी सीओ साहब से गुजारिश की थी, 3 दिन सर छुट्टी थी, उससे पहले सीओ साहब से गुजारिश किए, जेडीओ साहब से गुजारिश किए, उन्होंने बोला सर हम आपको सोमवार को टीचर देंगे, हम ऑर्डर बनाएंगे, उसके बाद हम आपको टीचर देंगे।